So now we have question number 48. Prove that 2 comma minus 2 and minus 2 comma 1 and 5 comma 2 are the vertices of right angle triangle and find the area of the triangle and the length of hypotenuse. So देखो हमें ये तीन vertices given है, हमें ये बताना है कि ये जो vertices हैं ये right angle triangle के हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या show करना पड़ेगा? पहले सबसे पहले हमें length इनकी sides की length निकालेंगे, ठीक है? और sides की length निकालने के बाद हमें ये prove करेंगे कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है? तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इन जो तीनों वर्टाइसेस से जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है? फिर हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है? सो हमने मान लिया है कि ए बी सी अपने पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -2 एंड बी के -2, 1 एंड सी का 5, 2. सो हम इसे प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए बी लेंथ निकालेंगे. सो ए बी इक्वल टू आएगा अंडर रूट दिस, ठीक है? अंडर रूट 2 + 2 का स्क्वायर x2 - x1 +y2 - y1 का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा अपने पास 1 + 2 का स्क्वायर, ठीक है? सो 2 + 2 होगा 4 एंड 4 का स्क्वायर आएगा 16 एंड 1 + 2 होगा 3 एंड 3 का स्क्वायर 9. सो ये हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा 25. सो अंडर रूट 25 होता है 5. सो ये आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है? सो ए बी की लेंथ आ गई 5 यूनिट. अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ए सी, ठीक है? सो ए सी इक्वल टू होगा अंडर रूट 5 - 2 का स्क्वायर, ठीक है? प्लस और 2 + 2 का स्क्वायर, ठीक है? सो 5 - 2 होगा 3 एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 + 2 होगा 4 एंड 4 का स्क्वायर 16. सो ये आ जाएगा अंडर रूट 25. सो ए सी भी अपने पास आ गया 5, ठीक है? 5 यूनिट. अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है? थोड़ा ऊपर सॉरी अब हम निकालेंगे बी सी. सो देखो बी सी इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 - x1. सो ये आ जाएगा 5 + 2 का स्क्वायर +2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है? सो 5 + 2 होता है 7 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 2 - 1 होता है 1 एंड 1 का स्क्वायर 1. सो ये आ जाएगा अंडर रूट 15. इसे हम लिख सकते हैं 25 × 2. सो ये आ जाएगा 5√2 यूनिट. अब देखो हम यहाँ से सिंपली देख सकते हैं. देखो अगर हम ए बी का स्क्वायर करेंगे और बी सी का स्क्वायर और सॉरी ए सी का स्क्वायर करेंगे, सो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 25 एंड ए सी का स्क्वायर आ जाएगा 25. इनको ऐड करेंगे सो अपने पास आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है? जो कि होगा 50. सो वी कैन राइट ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 25 का स्क्वायर. सो ये अपने पास कितना आ जाएगा 25 + 25. सो ये हो जाएगा 50 एंड 50 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 50 का स्क्वायर, ठीक है? सो ये अपने पास क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एंड अंडर रूट 50 है अपने पास बी सी. सो ये आ जाएगा इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है? सो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है? सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू देखो बेस है दिस ए सी, ठीक है? ये बेस हो जाएगा, इसे हाइट ले लो, ये परपेंडिकुलर, ठीक है? ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस एच. सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा अपने पास बेस इंटू परपेंडिकुलर. सो बेस है अपने पास 5 एंड परपेंडिकुलर भी है 5. सो ये आ जाएगा अपने पास 25/2 स्क्वायर यूनिट और लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस हमें पता है
ये होगा इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू 5√2 यूनिट. दिस इज द आंसर.